Hey everyone, welcome back to another vlog. मैं हूँ दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में. तो जैसे कि आज है वैलेंटाइन डे, तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे ह्यू की तरफ से. तो तो ह्यू का बहुत अच्छे से मुंडन हो गया और ह्यू खूब एंजॉय कर रही है अपने इस बाल को. तो फिलहाल अभी शाम हो गया और इस टाइम में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया. सुबह से बहुत सारा काम पेंडिंग था जिसको कि मैं कर रही थी. इस चक्कर में जो है मैंने वैलेंटाइन डे का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया. तो अभी हो रहा है शाम और अभी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया. सुबह से इतनी बिजी थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. मुंडन के बाद जो है इतना सारा काम पेंडिंग था तो उसको करने में मैं बिजी थी. और मेरी जो ननद लोग हैं वो लोग अभी गए हुए ऊटी घूमने के लिए, तो बिल्कुल भी आज मन नहीं लग रहा था. तो मैंने सोचा काम ही कर लेते हैं, तो घर पूरा शांत सा लग रहा था. तो आज मैंने बहुत सारा काम किया. उसके बाद मैंने सोचा था कि आफ्टरनून में जाके मैं सारा वैलेंटाइन डे का जो भी मैं प्रिपरेशन करती हूँ कर लूंगी, लेकिन मैं सो गई. ह्यू को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ गई और मैं सो गई. तो अभी मैं निकल रही हूँ. मैं हर बार जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ वैलेंटाइन डे, लेकिन इस बार जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ. मतलब जैसा मेरा मन रहता है वैसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसा भी होगा वो मैं करती हूँ. इस बार मैंने मिस्टर झा के लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लिया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था ह्यू के मुंडन की वजह से. उसी के प्रिपरेशन में मैं इतना बिजी थी कि कुछ भी नहीं ले पाई, तो वो जो है वो पेंडिंग रहा. बाद में मैं कुछ अच्छा सा गिफ्ट करूंगी. फिलहाल तो मैं अभी निकल रही हूँ, कुछ देखती हूँ कुछ मिलता है या नहीं मिलता है. उसके बाद हम लोग डिनर डेट के लिए सोचे हैं कि बाहर चले जाएंगे और इसी बहाने जो है थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा और वैलेंटाइन डे भी हम सेलिब्रेट कर लेंगे. तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ वहाँ पे मैं बिल्कुल आपको लेके चलूँगी. तो फिलहाल मैं फटाक से जैकेट डालती हूँ क्योंकि बाहर ठंड है, और निकलते हैं फिर. तो फाइनली अब मैं निकल रही हूँ. मैंने जैकेट भी डाल लिया है ठंड की वजह से कि कहीं बाहर ठंड ना हो. हमेशा यहाँ पे रहता है बाहर निकलने पे ठंड. तो और अपनी जो है ठंडर की भी चाबी मैंने ले ली है स्कूटी की. तो निकलते हैं. और ही वो अभी जो है वो घर में है, बोली है कि मेरे तरफ से भी गिफ्ट ले लेने के लिए डैडा के लिए. तो देखते हैं ह्यू की तरफ से मैं उसके डैडा के लिए क्या गिफ्ट लेती हूँ. चलो थैंक यू बेबी. तो चल तुम यहीं पे रुको, मैं आती हूँ. ओके जाओ तुम, बाय बेबी. इसके साथ पूरा फ्लेवर ही जाएगा, आपको जो पसंद आ रहा है. हाँ. जो जो डालने हैं बोल दीजिए, वो बन जाएगा. ओके टाइम भी मैं FNP से जो है वो खूबसूरत सा बुके बना के लेके गई थी बुके, और इस टाइम में भी बहुत खूबसूरत सा बुके बना के दिया है भैया ने मुझे. बहुत ही प्यारा लग रहा है. और एक ह्यू के तरफ से मैंने लिया, उसको भी चाहिए था तो एक उसके लिए भी मैंने लिया. उसको अपने डैडा को देना है तो मैंने उसके लिए ये बनी वाला बुके लिया है मैंने, क्यूट सा. ये ख़राब भी नहीं होगा और उसको वो तोड़ेगी भी नहीं. तो मैं जल्दी से पैक करवाती हूँ और निकलती हूँ घर की तरफ. तो मैं FNP से जो है वो बुके मैंने रेडी करवा लिया है. और कोई गिफ्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दूँ जल्दीबाजी में, तो फिलहाल मैंने बुके ले लिया है. और जो गिफ्ट देना होगा वो मैं बाद में दूंगी. तो मैं निकल रही हूँ अब. और ये काफ़ी अच्छा शॉप है, हमारे घर के पास ही है, तो आप लोग भी यहाँ पे आके ले सकते हो. मैं हमेशा यहीं से आके लेती हूँ, मुझे काफ़ी यहाँ पे आके कंफर्टेबल लगता है. अपने पसंद से चूज़ करो और उसको बुके बनवाओ तो अच्छा है ये. और काफ़ी फ्रेश फ्लावर भी मिल जाता है. तो फिलहाल मैं अभी निकल रही हूँ घर के लिए. तो अब मिलते हैं घर. तो फाइनली मैं जो है FNP से आ चुकी हूँ बुके लेके. और काफ़ी प्यारा उसने मुझे बुके बना के दिया है, काफ़ी प्यारा. और उसके साथ ही मैंने ये ग्लास बॉटल भी उसमें पैक करवाया है वो अलग से, क्योंकि फ्लावर तो टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाता है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना जिससे कि मुझे याद रहे कि ये मैंने वैलेंटाइन डे पर लिया था. इसके लिए मैंने उसको जो है अलग से पैक करवाया. और ह्यू की तरफ से भी बहुत प्यारा सा मैंने एक
गिफ्ट लिया है बनी, क्योंकि यो खुद क्यूट सी बनी है, तो इसलिए मैंने उसके तरफ से बनी लिया है। होप कि उसको पसंद आएगा। यो मत करो, ग्लास है, रुक जाओ एक सेकेंड। और हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं क्योंकि आज वीकडे है, वीकडे में मिस्टर शाह का ऑफिस होता है तो वो फ्री नहीं थे, और काफी छुट्टी उन्होंने ले लिया था गांव जाने में और इधर, तो वो आज के दिन छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। तो इसीलिए कोई बात नहीं, हम डिनर डेट पे जाएंगे, घर पे ही केक कट करेंगे और उसके बाद जो है वो डिनर डेट पे जाएंगे। तो अभी मेरे पास बहुत कम टाइम बच गया है, तो जल्दी जल्दी मैं क्विक जो है नॉर्मल सा मैं तैयार होती हूँ एकदम नॉर्मल, और फिर हम निकलते हैं डिनर डेट पे। और तो ऑल सेट, मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैं बहुत क्विक रेडी हुई हूँ 10 मिनट के अंदर, इसीलिए मैंने एकदम सिंपल सा ड्रेस पहना हुआ है। ये मैंने रेड टी शर्ट पहनी है और इसके नीचे जो है वो मैंने ब्लैक जीन्स पहनी है, और ह्यू को भी मैंने रेडी कर दिया क्योंकि बाहर जाना है, इसलिए मैंने ह्यू को स्वेट शर्ट पहना दिया है शॉर्ट्स के साथ। और हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो अभी फटाफट से जो है वो केक कट करेंगे। और यहाँ पे क्या सब मैंने डेकोरेट किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैडम जी भी रेडी है, और मैंने क्रीम भी लगाई, और ही उन्हें क्रीम भी लगा लिया, और ही अपने टकलू में भी क्रीम लगाती है, उसको लगता है कि इसमें क्रीम लगाऊंगी तो जल्दी से बाल आएगा। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इधर का आपको दिखाती हूँ कि इधर मैंने क्या सब किया है और क्या सब होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इस फ्लावर को डेकोरेट कर दिया, ये गिफ्ट आइट का कोई भी पार्ट नहीं है। तो ये मिस्टर झा की तरफ से केक आया हुआ है मेरे लिए, और ये बुके, खूबसूरत सा बुके जो कि मिस्टर झा ने मुझे दिया, ये काफी खूबसूरत बुके है। इसके अलावे जो है इसमें मिस्टर झा का गिफ्ट है, इसमें मिस्टर झा का गिफ्ट है, मतलब जो उन्होंने मुझे दिया है, ये सब भी मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन डिनर से, डिनर के बाद, डिनर से आने के बाद। और ये ह्यू ने मुझे चोको पाई दिया है इसमें गिफ्ट करके, और ये मिस्टर झा के तरफ से जो है ह्यू को मिला है गिफ्ट टैडी वाला चॉकलेट। और ये जो है बनी वो ह्यू ने मुझसे मंगवाया है अपने डैडा मम्मा के लिए, तो ये ह्यू के तरफ से। और ये मेरे तरफ से है मिस्टर झा के लिए बुके, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको डेकोरेट करवाया है वहाँ पे, कैसे सारा फ्लावर्स अरेंज करवाया, क्या कौन कौन सा फ्लावर्स लिए, सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो ये छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से मिस्टर झा के लिए, तो मेन गिफ्ट इनका बाकी है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा इधर से मैं फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं देखती हूँ कि मैं उनको क्या गिफ्ट देती हूँ। तो ये अभी तक मैंने इसको दिखाया नहीं था मिस्टर झा को, तो फाइनली मैं उनको देने वाली हूँ और पूछने वाली हूँ कि उनको कैसा लगा मेरे तरफ से ये बुके। आप खोल के बताओ कि आपको कैसा लगा है। दिखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे से आराम से निकालना क्योंकि उसमें ग्लास का कुछ है। वाओ, ही यू, एक सेकंड बेबी, कैसा है? हाँ, कुछ डिफरेंट, वेरी मच डिफरेंट, अच्छा लगा, नेवर सीन बिफोर, क्योंकि मैंने इसको कस्टमाइज करवाया है, बहुत ही सुंदर। और इसमें सबसे खास बात ये है कि इसमें आप फ्लावर डाल दो, सॉरी इसमें आप पानी डाल दो अंदर, क्योंकि ये ग्लास जार है, तो इस आपका 1 वीक जो है, 1 वीक से भी ऊपर जो है आराम से ये टिक जाएगा, और आपको इसको खोल खाल करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर से हल्का सा पानी डाल दो आप। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मैंने कस्टमाइज करवाया है FNP से, तो काफी अच्छा लगा मुझे। और इधर हम लोग जो है केक कटिंग शुरू करते हैं, यू चलो बैठते हैं, अब केक कट करते हैं, जल्दी से जाना है। तो अब हम लोग जो है वो केक कट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 9 बज रहा है और हमें जो है निकलना था 8 बजे, 1 घंटा हम लेट है, तो जल्दी से केक कट करते हैं। वाह, बहुत प्यारा है ये,
इसको क्या बोलते हैं ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, और ये हम दोनों हैं, ये हमारा पहला वैलेंटाइन डे का पिक्चर है। तो ये है केरला की पिक्चर, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, आई थिंक केरला की ही है। और ये मिस्टर झा ने बहुत ही प्यारा सा मुझे जो है ये कार्ड दिया है, हैंगिंग कार्ड, बहुत प्यारा है, ये आर्चिस का कार्ड है। और सबसे खूबसूरत इसमें ये है कि इसमें पिक्चर लगे हुए हैं, तो ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, काफ़ी पसंद आया। और थैंक यू सो मच, सो 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 मच फॉर दिस डे। थैंक यू मम्मी। अच्छा है ना? ऑसम। चॉकलेट चाहिए? ये लो, ये लो। तो हमारा जो है केक कटिंग हो गया बहुत अच्छे से, और केक काफी यम्मी था, बहुत टेस्टी था, बहुत मजा आया। क्रीम बिल्कुल भी नहीं था, चॉकलेट का पूरा लेयर था, तो मजा ही आ गया। और अब जो है हम लोग फटाफट से निकलते हैं। हमारे पास में लकासा है, जो कि काफ़ी अच्छा वहाँ पे खाना मिलता है, स्टार्टर भी काफ़ी अच्छा होता है, जो जिस टाइप का हमें चाहिए होता है। तो और नज़दीक भी है, हम लेट भी हो चुके हैं, तो अभी हम जो है लकासा निकलते हैं। फाइनली मैं इस गिफ्ट को जो है वो अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, और मुझे भी नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मिस्टर झा ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है और कैसा लगता है, मुझे पसंद आता है या नहीं आता है। तो जल्दी से मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। और ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो नेकलेस है, और काफी प्यारा है, ये खूबसूरत सा नेकलेस है और बहुत प्यारा है। तो क्यों ना मिस्टर झा को बोला जाए कि इसे पहना के दिखाए कि मेरे पे ये नेकलेस अच्छा लगता है या नहीं। तो बोलते हैं मिस्टर झा को कि पहना के भी दिखाए। तो मैंने मिस्टर झा को दे दिया है और पहनाने के लिए, तो देखती हूँ कि कैसा लग रहा है, तो फिर मैं किसी ओकेजन पे जरूर पहनूंगी इसको। और ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत इसकी जो कटिंग है, और ये जो इस तरह से जो इसके स्टोन लगे हुए हैं ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और इसकी जो डिज़ाइनिंग की हुई है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और तो ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे नेकलेस, तो मैं जल्दी इसको किसी इंडियन या फिर वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहनने वाली हूँ। इसकी कटिंग, इसकी डिज़ाइनिंग, ये मुझे बहुत पसंद आया है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए, मुझे बहुत पसंद आया। और इसका इयररिंग्स आप देखो कितना सुंदर है, और काम इसका कितना बारीकी से किया गया है, तो बहुत सुंदर लगा है मुझे। साइड से छोटा छोटा स्टोन, और इसके बीच में जो है वो बड़ा सा स्टोन है, तो काफी लाइट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए, मुझे बहुत पसंद आता है। और हीओ की तरफ से ये मुझे गिफ्ट मिला है, तो ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। ओके, तो ये है ह्यू के तरफ से गिफ्ट, चोको पाई, जो कि इसने मुझे इस बॉक्स में बंद करके दिया है। तो थैंक यू ह्यू। तो ह्यू अभी छोटी है, वो चॉकलेट खाती है, इसलिए उसके नजर में ये गिफ्ट है, तो फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मैं इसको जरूर खाऊंगी। तो मैंने जो है मिस्टर झा को बताया नहीं था, तो उनके लिए ये सरप्राइज़ है, मैंने इस तरह से यहाँ पे डेकोरेट करवाया है, और ये काफ़ी खूबसूरत है। हम लोग आ गए लकासा, क्योंकि और सब जगह पॉसिबल नहीं था मुझे करवाना दूर में, तो यहाँ पे मैंने करवाया, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? अच्छा है, तुमको भी अच्छा लगा? चलो अच्छी बात है। डेकोरेशन सब कुछ अच्छा है? चलो आ जाओ ही।
तो ये था मिस्टर झा के लिए सरप्राइज। मैंने मिस्टर झा के लिए जो वैलेंटाइन डे सरप्राइज किया था प्लान, क्योंकि मैं कुछ उनको गिफ्ट नहीं दे पाई, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनके लिए कुछ डिनर प्लान करूं, कुछ अच्छा सा सरप्राइज, उसको डेकोरेशन करवाऊं अच्छे से। तो मैंने पास ही, हमारे घर के पास ही है लकासा, तो उसमें मैंने बुकिंग की थी, और जिसे कि इन्हें पता ना चला, इसलिए मैं सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ ऐसे मैं उनको बता रही थी कि देखते हैं कहीं नज़दीक ही चलते हैं, क्योंकि मीटिंग पे सारा चीज़ डिपेंड था कि कितना इनका कितना टाइम तक इनका मीटिंग चलेगा और कब ये फ्री होंगे तो हम लोग डिनर के लिए निकलेंगे। तो फाइनली 10 बज रहे और हम लोग डिनर के लिए आ गए, और पास है तो जाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल ही का स्कूल भी जाना है, ही को स्कूल जाना है, तो उसके लिए हम लोग दूर का प्लान नहीं कर सकते थे। तो अभी जो है हमने ऑर्डर दे दिया है, और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। मैं 2-3 बार यहाँ पे आ चुकी हूँ, लास्ट वैलेंटाइन पे भी मैं यहीं आई थी, क्योंकि सेम प्रॉब्लम था कि ऑफिस था तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए जहाँ पे खाना अच्छा मिले और पता हो कि अच्छा है तो वहाँ पे चलते हैं। तो लकासा बहुत ही अच्छा है, और इसका जो एम्बियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से अरेंज किया हुआ है। नीचे का जो फ्लोर है उन्होंने नो स्मोकिंग जोन रखा हुआ है बच्चों के लिए, जो लोग ड्रिंक नहीं करते उनके लिए, तो इसीलिए हम लोग नीचे में जो है वो खाने का अरेंजमेंट तक किया, क्योंकि हमारा फर्स्ट आइटम जो है वो आ चुका है, चिकन टिक्का, जो कि हियू को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और उसके बाद कढ़ाई मोल, एक ही कोई ग्रेवी आइटम, हाँ, क्लासिक फ्राई, हियू के लिए फ्राई लेना है, हाँ, हाँ, लेना है। फिर ये खा लो उसके बाद बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ा आ गया, और इसके साथ साथ जो है छोटा सा पापड़ भी हमें मिला है खाने के लिए, वो ब्राउन आ चुका है, तो ब्राउन भी काफ़ी अच्छा लगते रहता है खाने में, मुझे बहुत पसंद है, नॉनवेज ही इनफैक्ट मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ तो ब्रेड दिया है। हमारा ड्रिंक भी आ गया, ये मेरा है मोजिटो और वर्जिन मोजिटो, और ये है कुछ अजीब सा नाम बोल के गया है, तो मुझे नाम नहीं समझ में आया। हीयू पी के देखो तो कैसा है, हीयू आइस मत टच करो, हीयू अच्छा है, कैसा है? अब ब्राउन भी काफ़ी टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद आया, तो जो लोग लकासा आते हैं वो ये ब्राउन जरूर टेस्ट करें, काफ़ी टेस्टी है ये ब्राउन। चिकन लॉलीपॉप भी आ चुका है गरम गरम, तो सबसे पहले मैं हियू को देती हूँ, हियू को चिकन पसंद है, हियू ने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं खाया, तो सबसे पहले हियू को दूंगी, उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी। मिस्टर झा की जो है वो एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तो वो उसको अटेंड कर रहे, तब तक हम लोग स्टार्टर एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ का जो सब कुछ स्टार्टर बहुत टेस्टी था, सारा स्टार्टर बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो सबको मैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो मुझे देखते हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूँगा यहाँ का बटर गार्लिक प्राउन्स जरूर टेस्ट करने के लिए, जो नॉन वेजिटेरियन है, तो काफ़ी ऑसम है, काफ़ी यम्मी था, बहुत मज़ा आया उसको खा के। और हियू जो है चिकन लॉलीपॉप को सच में ही गया है, ये है बटर रोटी, वो है मेरा गार्लिक नान, मुझे गार्लिक नान ज़्यादा पसंद है, और ये है कढ़ाई चिकन। बस बस बस, इनके लिए हाँ एक थोड़ा सा, ओके आपके लिए। और इसी के साथ जो है हमारा डिनर डेट जो है वो हो चुका है, हमने अच्छे से खाना पीना खा लिया है,
और मैडम जी यहाँ पे जो है डांस कर रही है, डीजे यहाँ पे चल रहा है, तो मैडम यहाँ पे डांस कर रही है और मैं अंदर का आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत सा ये रेस्टोरेंट है। फाइनली अब खाना खा के जो है हम लोग घर जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा डिनर डेट जैसा कि मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। और घर जाने से पहले जो है हम लोग पान खाएंगे, मीठा पान मैं और मिस्टर झा। तो पान खाना है, देखिए 12 बज रहे हैं, पान मिलता है कि नहीं, तो मीठा पान जरूर खाते हुए जाएंगे। नॉनवेज के बाद तो पान बनता है, कुछ भी मीठा खाने का मन करता है तो पान तो बनता ही है। तो अभी मिस्टर झा जो है गए हुए पान लाने के लिए, तो मैं अभी वेट कर रही हूँ उनका। और काफ़ी मज़ा आया, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है, और ख़ास करके स्टार्टर तो मज़ा ही आ गया खाना खा करके। और वैलेंटाइन जो है हमारा मस्त से वैलेंटाइन डे बहुत अच्छे से बीत गया, तो क्योंकि बीत गया इसलिए क्योंकि 12 से ज़्यादा हो रहा है तो बीत ही गया। यू का स्कूल था इसलिए, नहीं तो थोड़ी देर जो है वो मैं इंजॉय ज़रूर करती। यहाँ पे ऊपर जो है डांस फ्लोर है तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे, अभी डीजे वगैरह चल रहे हैं तो बहुत मन कर रहा है डांस करने का। लेकिन कल यू का स्कूल है और मैं भी काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ सुबह से काम वाम करते करते, तो अब जो है अभी घर निकलूँगी। और मिस्टर झा को पान जो है वो मिल चुका है, ये लो ये। चेरी भी खाना, और चेरी चाहिए। खूबसूरत लग रहा है ये नेकलेस, मुझे बार बार बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और ये भी कार्ड भी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये रेड पे है, रेड वेलवेट पेपर पे है, और इस पे जो है वाइट कलर से लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है इसमें नेकलेस रख दिया है तो ये देखने के लिए कि कैसा लग रहा है रेड पे वाइट, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये सारा गिफ्ट जो है मैंने एक जगह रख दिया है। और ये तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और रात के 12:30 एक हो रहा है करीब, तो बहुत टायर्ड फील हो रहा है। तो जा रही हूँ फटाक से ड्रेस चेंज करूँगी और जाके सोऊंगी। सुबह ही उनको स्कूल भी जाना है। तो हमारा वैलेंटाइन डे बहुत अच्छे से बीत गया, बहुत अच्छा रहा वैलेंटाइन डे हमारा। जिस तरह से हम इतने बिजी थे हीयू के मुंडन के बाद, तो लग नहीं रहा था कि इस बार सेलिब्रेट कर पाएंगे, बाहर जा पाएंगे। तो उसके बावजूद भी जो है बहुत अच्छे से हमारा वैलेंटाइन डे बहुत अच्छा रहा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और ये फ्लावर बहुत खूबसूरत है। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत पसंद आया है, तो इसको मैं अच्छे से रखूँगी पानी में डाल के। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए। तो होप कि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मिलती हूँ नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।